आज की रेसिपी है लोडेड फ्राइज़, जो कि बहुत ज़्यादा लोडेड है चीज़ के साथ, चीज़ी सॉस के साथ और चिकन के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो मैंने एक पैन लिया, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाला है और चिकन बोनलेस मैंने 200 ग्राम ऐड किया है। इसमें चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसे कुक करेंगे और ये सारे स्पाइसेस मैंने जो मेंशन की हैं ये इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा कुक करेंगे इसको। थोड़ा सा कुक करने के बाद इसमें ऐड करेंगे पेपरिका, उसके बाद फिर एक मिनट के लिए स्टिर फ्राई करेंगे। और ये मैंने टमाटो सॉस ऐड कर दी है इसमें 2 टेबलस्पून के करीब। साथ ही आपने इसमें कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज जो कि लंबे कटे हुए हैं इसमें ऐड कर देना है। थोड़ी देर के लिए कुक करना है इसको और कवर कर देना है ताकि चिकन भी अच्छे से कुक हो जाए और ये वेजिटेबल्स भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, चिकन हमारा रेडी है। दोबारा से एक पैन लेंगे, थोड़ा सा उसमें ऑयल और 2 टेबलस्पून के करीब बटर ऐड करेंगे। यहाँ पे बटर, जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो आपने इसमें चॉप्ड गार्लिक ऐड करना है और इसको स्टिर फ्राई करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और साथ ही आपने इसमें जलपिनोस या फिर ग्रीन चिलीज ऐड कर देनी। यहाँ पर आपने डायरेक्टली मिल्क नहीं ऐड करना, 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करना है, उसे रोस्ट करना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके 1 ग्लास मिल्क ऐड करना है। मैं वीडियो के चक्कर में भूल गई थी इस वजह से। 2 टेबलस्पून मैदे में थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये थिक हो गया है हमारी सॉस। इसमें थोड़ा सा साल, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी शुगर ऐड की है मैंने और इसको अच्छे से मैंने कुक कर लिया है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चेडर चीज़ ऐड की है। इसको मेल्ट होने तक आपने कुक करना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है। यहाँ पर मैं फ्राइज़ रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपने जस्ट आलू की फ़्राइज़ बनानी है, उसमें कोई चीज़ नहीं लगानी है। आप चाहें तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या मैदा लगा सकते हैं ताकि फ्राइज़ थोड़ी क्रिस्पी रहें। अब हमने इनको असेंबल करना है। यहाँ पे मैंने फ्राइज़ ऐड कर दिए हैं, उस पर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। ये थोड़ी सी चैटर चीज़ है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो नहीं ऐड कर सकते। उसके बाद कुक हुआ चिकन ऐड किया है और जो हमने सॉस रेडी की थी वाइट वो ऐड कर दी है। अच्छे तरीके से आपने इसको स्प्रेड कर देना है। थोड़ा सा ओरिगैनो और मोज़रेला चीज़ और चैटर चीज़ आपने इस पर ऐड कर देना। उसके बाद आप चाहें इसके ऊपर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स लगा सकते हैं, जलेपिनोज़ लगा सकते हैं या फिर इस तरह से शिमला मिर्च और प्याज भी लगा सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिए हैं। पहले से प्रीहीटेड पतीली में आपने इसको 7 से 8 मिनट के लिए बेक करना है मीडियम फ्लेम पर। तो जी रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। बहुत ही खूबसूरत सी और मज़ेदार सी फ्राइज़ हमारी रेडी हो गई हैं, लोडेड फ्राइज़, लोडेड विद चीज़, बहुत मज़े की बनती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस लाजमी कीजिएगा। आऊँगी जी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।